हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक स्केच। तो वो स्केच बनाने के हमको मिलने वाले हैं $50। तो मतलब ये एक ऑर्डर स्केच होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। नो पेल पेंसिल और शीट लेके आते हैं बिल्ले, फिर करते हैं काम शुरू। स्केचिंग बट तो गाइस सामान हमने ले लिया है, अब हम घर जाएंगे और फिर स्केचिंग शुरू करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर, अब हम करने वाले हैं स्केचिंग शुरू। ये हमारा सामान, पेंसिल वगैरह वगैरह। ये हमारा आया है भाई $7 का सामान, 7-20 का, सिर्फ दो चीज़ें। देखो गाइस यहाँ खास बात, पहले सने भी गड़ी गड़ाई आ रही है, गड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देख लो, झूठ मान लेंगे कहीं तो बस छोड़ो। देखो गाइस फोकस। तो भाई ये हमारा सेटअप लग चुका है, अब हम स्केचिंग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कोई भी स्केच बनाने से पहले हमें उसकी आउटलाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, उसके बेस पर ही पूरा स्केच स्ट्रक्चर तैयार होता है। क्योंकि अगर स्केच की आउटलाइंस में कुछ गड़बड़ हुई तो हमें स्केच फिर से बनाना पड़ सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे स्केच फिर से बनाना पड़ा। फिर बात आती है आपके स्केच के मेन अटेंशन की। अगर आप किसी का चेहरा बना रहे हो तो उसकी आइज़ और फेस बहुत ज़रूरी है, तो इसमें डिटेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये मैच नहीं करेगा। बाकी आपकी ड्राइंग आपके टाइम पर डिपेंड करती है, आप जितना ज़्यादा टाइम अपनी ड्राइंग को दोगे वो उतनी ही अच्छी बनेगी, और साथ ही प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा तीसरा स्टेप होता है डिटेलिंग का। जब लगभग आपको लगने लगे कि अब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो रही है, तो आपको डिटेलिंग पर ध्यान देना शुरू करना होता है। तो आप जितना ज़्यादा डिटेलिंग पर ध्यान दोगे आपकी पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। और आखिर में जो एलिमेंट आपकी ड्राइंग को स्पेशल बनाता है वो है फिनिशिंग टच। आखिर में आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी ड्राइंग में क्रिएटिव फिनिशिंग डिटेल्स ऐड कीजिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो गाइस हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब ज़रूरत है तो इसमें थोड़ी ही शेडिंग की। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको 100% वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और तो आगे तो आपको गाइस पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।